राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस जरूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इशूज जनरल रीडिंग से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहें या फिर अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और काफ़ी सफर कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में पेन मिलता ही है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हर तरीके का गाइडेंस आप ले सकते हैं। जो भी आपके इशूज़ हैं ज़रूर हील होंगे। जहाँ भी ब्लॉकेज हो रहे होंगे आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। कोई स्पिरिचुअल किसी और तरीके का भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो स्पिरिचुअलिटी में ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड किसी भी तरीके का गाइडेंस काउंसलिंग आप उसे ले सकते हैं। ये सभी फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको अगर नीड हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको गाइडेंस ज़रूर दिया जाएगा, जिससे आपका वो ब्लॉकेज हील हो और आपका यूनियन हो सके। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं तीनों डेक शफल करके रखती हूँ। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले। तो यूनिवर्स व्यूअर्स, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनके मन में जो भी पर्सन है, प्लीज़ उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग बताइए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो दो कार्ड्स ओपन हुए हैं। ये कार्ड्स मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा हाथ खुद ब खुद टर्न हुआ है। दोनों एक साथ दिए हैं। क्या पेन देखिए, टेन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। एक पर्सन ये है, इतना पेन कि हिल नहीं सकता ये पर्सन, और एक दूसरा पर्सन क्वीन ऑफ वैंड्स। इस पेन से निकलने वाले हैं वो, इस पेन से, यानी कंप्लीट अवेकनिंग होने वाली है। अपने आप को पहचानेंगे। अभी तक ये कार्मिकों से डरते होंगे। कोई अगर इनके हस्बैंड वाइफ होंगे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फैमिली के कोई और मेंबर होंगे जिन्होंने इनको कंट्रोल कर रखा होगा, इनको डिमोरलाइज करते रहते होंगे, इनको ब्लेम करते रहते होंगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो कर दिया। जो इस तरीके की इनकी एनर्जी थी, जो हर टाइम इनकी आत्मा छलनी होती रहती थी, ये हर उस चीज़ से बाहर आ गए हैं, हर दर्द से। और दर्द इनको बहुत मिला है, इनको सोल शॉक मिला है। इनके डार्क नाइट ऑफ द सोल भी हो सकती है इनकी। ये सोल शॉक से गुजरे हैं और सोल शॉक से गुजर के किस एनर्जी में आने वाले हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मतलब लोग इन्हें इतना दर्द देंगे, ज़िंदगी इन्हें इतना दर्द दे देगी कि फिर ये दर्द से कहेंगे आप आ मेरी ज़िंदगी में, बताती हूँ तुझे। तो ये दर्द के यानी उस लिमिट का दर्द इनको मिल जाएगा कि उसके आगे इन्हें लगेगा कि दर्द होता नहीं कुछ भी। इस लिमिट का दर्द इनको मिल चुका है। मुझे सोल शॉक फील हो रहा है। सोल शॉक ऐसा ही होता है कि आत्मा टूट जाती है। ये देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स के बाद एस ऑफ सोर्ड्स। इतने स्ट्रेंथ, इतना ये दर्द इन्हें इतना मजबूत बनाएगा, कम्प्लीटली टूट जाएंगे। फिजिकली, फिजिकल वर्ल्ड में अगर कहूँ तो मौत के करीब जाना, यानी सोल इनकी बिल्कुल ऐसा कि बस अब रहना नहीं दुनिया में। इस तरीके का पेन झेल के ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आएंगे। डिवाइन वहाँ संभालेंगे और फिर पहले तो डिवाइन संभालेंगे, इनको बताएंगे, बता दिया है, इनको समझा दिया है कि तुम जिस पेन में हो ना, इस पेन से तुम बाहर निकल के तुम किंग और क्वीन भी बन सकते हो। तो ये इस एनर्जी में आ गए हैं। अब डिवाइन ये कह रहे हैं बस अब क्वीन बन गए हो, फिर किस बात की देरी है, जीतना तो तुम्हें ही है। डिवाइन ने इनको समझा दिया है, इन्हें ये एहसास हो गया है कि बस अब एनर्जी आई मुझ में, अब तो मुझे जीतना ही है। ये हर एरिया में जो भी इनको सता रहे थे, जो भी आप दोनों के बीच आ रहे थे, उन सब एनर्जीज को ख़त्म करने में ये कामयाब होने वाले। देखिए, टू ऑफ सोर्स, आज सोर्स की एनर्जी बहुत आ रही है आपके। आज कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन या फिर आप, वैसे वर्षा भी हो सकता है, इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि आखिर क्या करें। आप भी अपने पर्सन का अगर वेट करते करते थक गए हैं तो आपने भी सोचा कि कब तक वेट किया जाए, बेटर होगा अपने काम पे ध्यान दिया जाए। आप ये कर रहे हो और आपके पर्सन सोर्स की एनर्जी में क्यों हैं? आपके जाने के बाद उन्हें प्यार की अहमियत समझ आई, आपकी अहमियत समझ आई, अब दुनिया में कहीं और दिल लग नहीं रहा तो प्यार अब किसी और का चाहिए नहीं। इसलिए दोनों ही, मुझे इस समय फील हो रहा है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट्स दोनों ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इस समय इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रही है, मिरर कर रहे हैं। दोनों ही अपने अपने वर्क पे वैल्यू दे रहे हैं, यानी अपने अपने वर्क का मतलब है डीएफ्स अपने वर्क पे को इम्पोर्टेंस दे रही हैं, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ये सोच रही है कि दुनिया में प्यार है नहीं क्योंकि आप उनके पास नहीं हो, तो किसी और से दिल क्या लगाना। इसलिए आज की रीडिंग में स्वॉर्ड स्वॉर्ड बहुत आ रहे हैं, इसीलिए इमोशंस नहीं है आज। और देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स, वर्क कर रहे हैं,
ये अपने आप पे बहुत वर्क कर रहे हैं, इनको वैसा बनना है जैसे आपको चाहिए थे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सप्रेस किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन अब ये आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ये आपसे अपना रिश्ता संभालने के लिए वर्क कर रहे हैं। ये अब जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे आपके फेवर में करेंगे, कुछ भी करेंगे ये छोड़। अगर घर में अगर खाना भी खा रहे होंगे तब भी ये सोच रहे होंगे कि आपको क्या पसंद था, आपको ये पसंद था, आपको ये नहीं पसंद नहीं था। तो ये हर छोटी छोटी बात में ये आपको याद कर रहे हैं और जो हर एक्शन ये आपके लिए ले रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्स दोनों आए हैं यहाँ पे, एस ऑफ कप्स। डेविल इनकी आपके लिए लस्ट की एनर्जी भी हो सकती है और सेकंड ये भी है कि नेगेटिव एनर्जीज भी मैं कह सकती हूँ। नेगेटिव एनर्जीज का मतलब ये मत समझना कि आप उनको मैनिफेस्ट मत कर लेना कि नेगेटिव एनर्जी। हाँ, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती हैं जो इनको इनको परेशान कर रही है, इन्हें अपने आप पे मतलब एंगर की एनर्जी भी इनकी हो सकती है, गुस्से में ये हों बहुत अभी कुछ भी समझ नहीं। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये समझ जाइए आपके पर्सन की एनर्जी है। जैसे ही आप अगर इस समय आप ये कनेक्ट कर पा रहे हैं इस बात से, या फिर अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ है, या फिर जल्दी ही आप इस एनर्जी में आ जाएं कि आपको गुस्सा आने लगे, तो फिर वो आपके पर्सन की एनर्जी होगी। और उस टाइम पे डिवाइन से ये प्रे करें, हे ईश्वर हम दोनों के इस एनर्जी से निकाल लीजिए, हम दोनों को पीस एंड हैप्पीनेस दीजिए। आपको ये करना है क्योंकि आप दोनों के लिए प्रे करोगे कि हे ईश्वर हम दोनों को पीस एंड हैप्पीनेस दीजिए, तो ये एंगर की एनर्जी निकलेगी और पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो मुझे एंगर और लस्ट दोनों की एनर्जी यहाँ फील हो रही है, लेकिन लस्ट की एनर्जी कम इसलिए भी फील हो रही है क्योंकि सोर्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। तो यहाँ एंगर की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, आपके पर्सन गुस्से में बहुत है और हर उस पर्सन के प्रति गुस्से में है जिन्होंने इनकी ज़िंदगी तबाह की है। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा गुस्सा इन्हें आप पे भी आ जाता होगा कि आपने इनको क्यों नहीं समझा, इस तरीके की बातें भी ये सोच सकते हैं। लेकिन आपकी भी मजबूरी है, आप भी क्या करो, कब तक वेट करते रहोगे किसी का। तो एंगर की एनर्जी अगर आपकी है तो उसको आप बड़े स्मार्टली डील करें, क्योंकि ये एनर्जी आपकी नहीं आपके पर्सन की है। तो समझना है, आप अगर उस एनर्जी को हील करने की कोशिश करोगे तो आपके पर्सन हील हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आप ये एंगर की एनर्जी हील कर दोगे, आपके पर्सन आ जाएंगे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, इतने शांत, इतने गुस्से में और फिर तुरंत शांत। आपको ये एंगर की एनर्जी हील करनी है और उसके बाद जो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आएगी, तो इधर क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ सोर्स यानी इन्हें प्यार और लॉजिक में बैलेंस बनाना आ जाएगा। इन्हें समझ आ जाएगा कि प्यार आपको देना है और लॉजिक दुनिया पे लगाना है, लॉजिक थर्ड पार्टी पे लगाना है। ये डिवाइन समझाएंगे, ईश्वर इनको समझा रहे हैं कि तुम्हें प्यार किससे करना था और तुम किससे कर बैठे हो, तुम्हें किसको वैल्यू देनी थी तुम किसको दे बैठे हो। अब जिनको वैल्यू दी है उनको अपनी ज़िंदगी से हटाओ, और जिसको जो तुम्हारा क्वीन ऑफ कप्स है, जो तुम्हारी फेमिनिन है, जो तुम्हारा ट्रू पर्सन है, बस उसकी तरफ जाओ। और ये इनको इंट्यूशन में समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ आपको सिर्फ इतना एडवाइस दिया जाता है कि आप एंगर की एनर्जी से निकलें। अगर आप एंगर की एनर्जी में हैं तो खुद को पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में आएंगे, आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, वो इमोशनल हो जाएंगे। आप एंगर की एनर्जी से निकलिए, यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है, मिररिंग हो रही है आपके बीच में। बट मूनोलॉजी से देख रही हूँ इनके इमोशंस, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। इनके दिल में ये इच्छा है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार लिया है, बदले में दिया बिल्कुल नहीं है। अब आप इन्हें प्यार दो ना दो, लेकिन इन्हें आपको प्यार देना है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि अब टाइम आया है कि मुझे प्यार देना है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पर वर्क कर रहे हैं। वर्गों की भी एनर्जी है, अपने फियर पे वर्क, यानी अभी तक इन्हें फियर होता था कि एक तो आपका भी फियर होता था, पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे, सेकंड ये भी फियर हो सकता, थर्ड पार्टी या पेरेंट्स का भी फियर हो सकता, जो कुछ भी फियर था अब हर फियर से ही निकल रहे हैं। अब इन्हें कोई मतलब नहीं जमाने से कि जमा लो क्या कहेंगे, इन बातों से अब इनको कोई लेना देना नहीं। इनको वो करना है जो इनको चाहिए और इनको आप चाहिए। कम्युनिकेशन इज की, मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे, बात ज़रूर करेंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जैसा आपने चेंज एक्सपेक्ट किया था वैसा ये इनमें चेंज आ रहा है। और ये अब इस सिचुएशन में जो आपकी पैनिक सिचुएशन है, आपकी रिलेशनशिप की जो क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें चेंज चाहते हैं। अब इसमें पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सेपरेशन खत्म हो और फिर से यूनियन हो। नेक्स्ट डेक से मैं देखती हूँ कि इनके और क्या थॉट्स हैं। तो इनके नेक्स्ट इनके थॉट्स हैं अबंडेंस, ये अबंडेंस हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर एरिया में चाहते हैं। इस रिश्ते में, इस रिश्ते को अबंडेंट बनाना चाहते हैं, प्यार से, पैसे से, नेम एंड फेम से, हर तरीके से इस रिश्ते को ये अबंडेंट बनाना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, खुद को पूरी तरीके से बदल डाला है। आप देखेंगे जब वो आएंगे तो आपको बदले हुए दिखेंगे। हेल्प इज़ ऑन द वे, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो इस रिश्ते को संभालने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है लीव फॉर नाउ, कह रहे हैं अभी अब छोड़ भी दो,
जो कुछ हो चुका है हमारे बीच वो सब छोड़ दो, और उन्हें इन्होंने भी वो सारी बातें छोड़ दी हैं पहले जो आपके जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, वो सारी बातें इन्होंने गिव अप कर दी कि छोड़ो। कब तक उन बातों को लेके बैठा जाएगा, क्या जिंदगी भर यही बातें दिमाग में रहेंगी? तो इन्होंने उन बातों को गिव अप भी किया और आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि छोड़ो अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, तो डियर ये आपके पर्सन की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। यहाँ जो गाइडेंस दिया गया वो जरूर फॉलो करें। एंगर की एनर्जी से आप निकलिए, आप निकलेंगे तो आपके पर्सन खुद ब खुद निकल जाएंगे। डिवाइन से प्रे जरूर करें कि हम दोनों को निकाल लीजिए, उसके बाद ये इमोशंस इनके ये इमोशनल साइड पर वर्क करना शुरू कर देंगे। इनकी इनर DF एक्टिवेट हो जाएगी, इनका इनर DM DF बैलेंस हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपके जो भी गाइडेंस जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आप वो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। गाइडेंस जो भी आप सेशन लेंगे वो चार्जेबल होते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके करेंगे आप तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी में जहाँ भी आप स्टक हो रहे हैं, किसी भी स्टक एनर्जी में हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको ज़रूर 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 सॉल्यूशन मिलेगा, ज़रूर आप उस ब्लॉकेज से निकल जाएंगे और यूनियन श्योर हो जाएगा आपका। जहाँ भी आपके पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि आप किस एनर्जी में स्टक हो, किस वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा, फिर वो आपको हीलिंग मिलेगी और आपका यूनियन ज़रूर हो जाएगा। आप चाहें तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप सेशन ले सकते हैं, कुछ सेशन बुक कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।